अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आजकल जैसा कि मौसम ख़राब हो रहा है, कबूतरों की हालत ख़राब हो रही है, यानी कि उनको सोकरा वगैरह हो रहा है, रेशा हो रहा है, उसके बाद सबस पिट्ठे मारते हैं और बैठे रहते हैं इस तरह, और उसे क्या कहते हैं, उसके लिए हमने दवाई बना रहे हैं। हमने कहा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दें, हमारा फ़ायदा होते साथ आपका भी हो जाए। सबसे पहले हमने लेना थोड़ा सा आटा, उसके बाद फिर हमने ये रेशे के कैप्सूल लेने हैं, ठीक है। ये देख लें, इसका नाम है पेनब्रिटन, अगर ये ना मिले मॉक्सन ले लें, मॉक्सन ना मिले तो फिर उसके साथ विब्रामाइसिन ले लें, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने ना हाजमे के लिए भी ना कबूतरों के लिए लेनी है, कि कबूतर वगैरह दाना वगैरह हजम नहीं करते, ये हो जाता है, वो चुस्त रहते हैं, सुस्त होकर बैठे रहते हैं, उसके लिए हमने लेने हैं फैप्टिड। ये देख लें, ये नाम लिखा हुआ है, ये 40 ग्राम है, ठीक है, फैप्टिड 40 ग्राम वाले, ये हमने फिर रख देने हैं। उसके बाद फिर हमने लेने हैं सरबैक्स रेड, ये देख लें, ये नाम है सरबैक्स रेड कैप्सूल, ये वो है कैप्सूल है, ये पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, कबूतर अगर भूत ना डाले उसके लिए। अगर आप पूरी डब्बी लेना चाहें वो भी आपको मिल जाएगी, अगर लूज़ में किसी को कहेंगे वो भी दे देगा। वैसे इसकी कीमत है 294, ठीक है। ये 2 से 3 कैप्सूल हमें बस चाहिए, आप बेहतर है कि आप लूज़ में ले लें, मैंने आपको दिखाने के लिए डब्बी ली थी छोटी। ये उसके बाद फिर हमने ये लेने हैं बुखार के लिए, कालपो ले लें, पेनाडाल ले लें, ठीक है। इन दोनों में से अगर आप कोई भी लेना चाहते हैं तो ले लें, मैंने आपको दिखाने के लिए दोनों लिए। ये देख लें, ये कालपोल, ये पेनाडाल, और उसके बाद ये फिर हमने लिया है उल्टियों के लिए, ये जो कबूतर वगैरह दाना वगैरह जो बाहर निकाल लेते हैं, हजम नहीं सही तरह कर पाते, ठीक है। इसका नाम है ग्रेविनेट, ये देख लें, ये ग्रेविनेट है, ये आम मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी। ये देख लें, ये ऑरेंज कलर का इसकी है, ये नाम है, ये लिखा ग्रेविनेट। उसके बाद हमने लेने हैं फ्लैजल, अगर आपको फ्लैजल ना मिले, आजकल तो शॉर्ट हुए हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने मेडिकल स्टोर पे जाके कह देना मीरो शाइन दे दें, ये बस इनमें नाम का फ़र्क है, यानी कंपनी का बस फ़र्क है, फार्मूला सारा वो ही है। ये है बुखार वगैरह के लिए, ये कबूतर सब बिट्ठे मारते हैं पानी वाली सब्ज रंग की, ये उसके लिए कैप्सूल है। ये अब हम लेने गए सरबैक्स रेड, इसके हमने लेने, ये देख लें, ये हैं इसके अंदर से, ये 3 हमने लेने हैं सरबैक्स रेड, ये देख लें, ये 3 ले लिए। उसके बाद हाजमे के लिए जो मैंने आपको बताया है फैप्टेट 40 ग्राम वाली, इसके हमने ये लेने हैं 5। खर्चा 200-250 रुपये, ये देख लें, अंदर से ये ग्रीन कलर के हैं, छोटी छोटी गोली हैं, ये देख, ये हमने लिए 5 फैप्टेड, 5 गोलियाँ। उसके बाद हमने फिर लेने हैं पेनब्रिटन, यानी रेशे के कैप्सूल, इसके ये नाम मिले आपको, मैंने पहले भी बताया है, मॉक्सा ले लें या विब्रामाइसिन, वैसे ये आम मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। ये कैप्सूल है मॉक्स पेनब्रिटन अंदर से, ये रेशे के कैप्सूल है, ये पेनब्रिटन हमने अंदर से खोल लेने, इसका अंदर होता है पाउडर, इसको अच्छी तरह हमने सारा ना इस तरह अंदर डाल देना है। ये मैं आपको सारे कैप्सूल, ये जो है इस तरह एक एक करके ना सारे कैप्सूल डाल लिया। अब फिर हमने ये लेना है ग्रेविनेट, ये देख लें, ये भी हमने 5 लेनी है, ये आपको मैं खोल के दिखा दूँ, ये किस तरह की, ये देख लें, येलो कलर की होगी, 5 गोलियाँ लेनी है। ये मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, सली करके आप इस पे आजमाएं, यार कोई इसका कोई नहीं होगा इफेक्ट, ये मैं 3-4 साल से उदी आजमा के कबूतरों को दे रहा हूँ, ये कम से कम इस पे 250 से 300 खर्चा है, इतने एक्सपेंसिव वगैरह नहीं है। अब ये मैं ले रहा हूँ फ्लैजल, यानी दूसरी कंपनी की मीरोशैन फ्लैजल ही मिल रही, इसके भी हमने लेने हैं, ये देख लें, इसके भी हम लेंगे 5, ये देख लें, ये 5 गोलियाँ लेंगे, ये भी येलो कलर की, फ्लैजल भी येलो कलर की होती है। ये देख लें 5,
ये भी इसके अंदर डाल लेंगे। अब लास्ट पे हम लेंगे कॉलपोल पैनाडॉल, ये पैनाडॉल सीएफ। अगर बेहतर है आपको सीएफ मिल जाए आप वो ले लें, या फिर ये सादी पैनाडॉल एक्स्ट्रा या फिर कॉलपोल, इनमें से जो भी आपको मिले ले लें। ये मैंने तीनों इसलिए ली थी कि आपको मैं दिखा दूँ, कुछ भी आपको मिलता है। ये वैसे आम मेडिकल स्टोर से जनरल स्टोर से वगैरह से ना मिल जाती हैं। ये भी हमने लेने हैं, तीन कॉलपोल ले लेंगे अगर ये आप सारा कुछ ले रहे हैं तो। उसके बाद एक दो पैनाडॉल यानी ये वाली पैनाडॉल ले लेंगे, ब्लू वाली सादी पैनाडॉल। उसके बाद एक फिर हमने लेनी है पैनाडॉल सीएफ, ये देख लीजिए कैप्सूल है बड़ा सा, इसका नाम है सीएफ। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाके कह देंगे ना सीएफ दे दे पैनाडॉल, वो आपको दे देगा। ये देखें ये इसके पीछे से जो कवर होता है ये येलो कलर में भी होता है और ग्रीन कलर में भी होता है, आपको जोन से मिले आप ले लें। ये देखें ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया ये इतने एक्सपेंसिव नहीं है, इन पे बस 200-250 खर्चा है, तो ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ये अब हम इनको ना फिंसेंगे यानी ये सारी दवाई जो है ना मिक्स हो जाए यकजान हो जाए। उसके बाद भाई हमने अब डाले जो आम गढ़ों में होती है हल्दी, ये देख लें हल्दी, ये तो हर किसी को पता है। ये हमने दो चम्मच डालने हैं, ये इसलिए डाले हैं जो कबूतरी हैं अंडे से बंद होती हैं, चर्बी वगैरह हो जाती है, मैदा वगैरह काम नहीं करता उनका, उसके लिए ये देख लें ये दो चम्मच हमने डाल देने। अब इसके साथ हमने ना मिक्स करना है इनको, अब हमने 5 से 6 चम्मच ना आटे के डाल दिए हैं, इसलिए जो हमने बनाया है ना नुस्खा उसके अंदर। अगर दोस्तों आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे चैनल से मिल सकती है, यानी लकवे चोले की है, कबूतरों को लकवा हो रहा तो उसके बाद फिर ये अंडे से बांध है ठीक है। जब हमने इसको ना मिक्स आपको कर लेना है दोस्तों, अब इसके अंदर ना हमने पानी मिक्स कर देना है, यानी इकट्ठा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके। तो इसके हमने बनानी है गोलियाँ, ये देखें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डाल रहे हैं, ये डायरेक्ट डालेंगे तो खराब हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसको थोड़ा सख्त करके यानी बनाना है, ये ज़्यादा ढीली नहीं बनानी है। ये देखें इसको मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सख्त करके बनाना है ताकि ये जो हमने बनाने ना गोलियाँ वो आराम से सही बन जाए। अगर ढीली होंगी तो उसने फिर सही जमना नहीं है, टाइट नहीं होंगी तो वो फिर बननी नहीं है, इसलिए थोड़ा सख्त करके और पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल लें। ये देखें अब दोस्तों हम इसका पेड़ा बनाने लगे, ये पेड़ा बन गया, अब इसके हम बनाएंगे गोलियां छोटी छोटी, ये देखें इस तरीके से ये हमारे बन गई गोलियां, इस तरह हमने करके बना लेनी है सारी गोलियां। तो इसको हमने खुश करना है धूप के बीच रख के नहीं यानी छांव में, अगर धूप में रखेंगे तो ये मेडिसिन वगैरह जो है ख़राब हो जाएगी, इसलिए इसको ना छांव में रख दें, यानी जिस दर कहते हैं ठंडी जगह टाइप वगैरह। ये देखें इस टाइप की गोलियां बनानी है, ये सुबह शाम करके देनी है, बच्चों को आधी देनी है और ये जो बड़े जोड़ों वाले होते हैं ना उनको एक देनी है सुबह और एक शाम, और बच्चों को आधी सुबह और आधी शाम, दिन में बड़ों को दो और बच्चों को एक आधी आधी करके। ये देख लो इस तरीके की छोटी छोटी बना और दें इजाज़त।
आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।